नहीं ये ज्यादा प्यारा है, इसका फेस देखिए ज्यादा प्यारा है। अस्सलाम वालेकुम भाई, उम्मीद करता हूँ आप सारे होंगे ठीक ठाक। गाइस कोको ने जो है मेरी नाक कटवा दी है, अब छुपी हुई थी नीचे बैठ के, हैं सारी झिरके मुझे पड़ी हैं और कोको साहब खुद छुपी रही हैं। आना था ना सामने, जरा आजो नीचे आजो, कम आजो आजो, कम 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 कम। गाइस नीचे चलते हैं और आपको बताते हैं जरा कहानी। सो गाइस अब मैं आपको बताता हूँ कि सीन हुआ क्या है। अभी तो मैं हंस रहा हूँ ना, पहले जो मेरे साथ हुई थी ना। गाइस ये रहा सोफा बेड जो कि नीचे पड़ा होता है, मतलब जिधर हमारे सारे पेट्स होते हैं, सबसे नीचे हमारे पेट्स होते हैं, बस एक सोफा बेड हमारा नीचे होता है, लेकिन ये थोड़ा सा डिले हो गया तो इस वजह से रह गया। वैसे हम सारे होते हैं ऊपर। तो गाइस ये देखो गाइस, कोको ने जो है इसके ऊपर ना वॉशरूम कर दिया और मुझे इसकी वजह से ना पापा से बड़ी डांट पड़ी है, बहुत ज्यादा झिरके पड़ी हैं और अब ये नीचे भी नहीं उतर रही, मतलब वो ऊपर जाके बैठी हुई है सीढ़ियों में ऊपर ही। मैं इसको बुलाई जा रहा हूँ, नीचे आओ नीचे आओ नीचे आओ, आई नहीं, इसको पता है कि मैंने गलत काम कर दिया। सो गाइस ये जो फोम का पीस है ना ये वाला, इसको मेरे ख्याल से अब चेंज करवाना पड़ेगा, सूख तो सकता नहीं है। गाइस जग्गू के लिए वाइफ जो है हम लोग ढूंढ रहे हैं, पूरी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सीन ये है कि बिल्कुल छोटा सारा बच्चा मिल ही नहीं रहा। मतलब आप लोगों को याद होगा जग्गू जब छोटा सा था तो हम लोगों ने तब लिया था, अब दोबारा उस तरह का बेबी आ ही नहीं रहा जग्गू जितना। जग्गू की वाइफ बड़ी ले आओ तो जग्गू से फाइट करने लग जाता है, हम लाए भी थे और जग्गू की बड़ी फाइट हुई थी। तो अभी हम ढूंढ रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन गाइस आज मैंने एक चीज सोची थी कि हिमालयन कमालियन काले मुंह वाली बिल्ली ने दो बच्चे दिए हैं, क्यों ना हम एक और बिल्ली ले आए बड़ी, वो भी बच्चे दे देगी, क्या ख्याल है? फिर हमारे पास ढेर सारी ऐसे बिल्लियां आ जाएंगी। अरे हिमालयन बाहर आ गई, चलो हिमालयन को थोड़ी देर खुला छोड़ देते हैं, ये सैर सपाटे कराएगी। और हिमालयन के क्यूट क्यूट बेबी ये रहे, थोड़ा थोड़ा रींगने लग गए हैं, अभी इनकी आईज ओपन नहीं हुई, मुझे लगता है कि दो तीन दिन तक हो जाएंगे आइज ओपन। सो गाइस सीन ये है कि अभी हो रहा है दोपहर का टाइम, तो इस तरह करते हैं निकलते हैं मार्केट और जाके जो है ना कोई प्यारी सी कैट लेके आते हैं। सो गाइस फाइनली जो है हम लोग मार्केट आ चुके हैं और मेरी एक बिल्ली के ऊपर नजर पड़ी है, क्या ही मस्त है ब्लैक एंड व्हाइट के अंदर, ओए होए अली प्यारी लग रही है ना वैसे, ये तेरी शर्ट के साथ मैच हो रही है। तो क्या ख्याल है वैसे, ले ना ले यार बिल्ली। हाँ यार मेरा दिल है, हम आलिया ना हमारे पास एक है तो दो बड़ी बिल्लियां होनी चाहिए, क्या ख्याल है यार? मैं ये कहूंगा अगर लेनी है ना भाई, हाँ किटन ले ले छोटे बच्चे। किटन? ओए ये स्टॉन को देख, स्पाइडरमैन का बच्चा, ये तो बिल्ली का बच्चा नहीं है। और जगह से कैसे देख लेंगे। हाँ यार चलो फिर बिल्ली लेनी है तो थोड़ी अच्छी वाली ले, बड़े बालों वाली। तो गाइस अभी जो है हम लोग थोड़ा सा आ गए हैं मार्केट में, भाई के पास है ना यार, ये क्या चीज है? टर्की बर्ड्स, ठीक है बच्चे हैं या वैसे बड़े हैं? ये ट्रेन है वैसे, मतलब हाल लगा के देख लेते हैं वैसे। हाँ मस्त है यार, मतलब ट्रेन है यार। आपकी दुकान पे वैसे मैंने एक तोता देखा था, हैंड टेम भाई ने पकड़ा हुआ था, पड़ा हुआ है हैंड टेम है, बाहर कटे हुए हैं, मेरे हाथ पे बैठा दोगे एक दफा, उड़ेगा नहीं, नहीं आ जा भाई, ओए पकड़ लूं। गाइस ये जो है हमने पकड़ लिया, कौन सा तोता ये? रिंग नेक ठीक है, ग्रीन रिंग। वैसे कितने तक है ये? 18,000 रुपये का बिल्ली का बच्चा, ठीक है ये भी वैसे प्यारा है। तो कमेंट में आप लोगों ने लाजमी बताना है, अगर ज्यादा इसके कमेंट आए तो फिर शायद माइंड बनाए तो वापस रख देते हैं, ठीक है दोस्त शुक्रिया। तो गाइस अभी हम लोग थोड़ा सा आगे आए हैं मार्केट में, इधर जो है हमें किटन्स देखने को मिले हैं और फाइटर आई है अली, थोड़े से प्यारे प्यारे लग रहे हैं, क्यूट क्यूट, इनके बाल ज्यादा है, ये वाला निकाल के देखते हैं भाई, ये चेक कर अली ये प्यारा लग रहा है यार, क्या ख्याल है दिखा, नहीं ये ज्यादा प्यारा है, इसका फेस देखिए ज्यादा प्यारा है। हाँ चलिए व्यूअर्स पे छोड़ दें, जॉन साहब वो कहेंगे नहीं नहीं आज ही लेके जाना है ये भाई, कल पे दार है मेरे ख्याल से, ले ले दो लेने दो लेने पूछ ले पहले रेट तो पूछ ले भाई क्या है। ये दो किटन ना मेरे को पसंद आए, ये मेल फीमेल है, कितने का पेयर मिल जाएगा? कितना का ली? 35,000। हाँ वो तो करवा लेंगे, हैं वैसे ली ये भालू, वैसे जो मैं पहले पसंद आए थे ना वो इतने खास नहीं थे, कल मैं पेमेंट वगैरह करता हूँ। हाँ ये देख लेते हैं। So guys, finally जो है भाई हम लोग अपने किटन्स जो है मार्केट से घर पे ले आए हैं, इन्हें बॉक्स के अंदर हमने सिर्फ इसलिए डाला था ताकि इन्हें सर्दी ना लगे, वो भाई कह रहे थे भाई केज लेके जाना तो ले जाओ, लेकिन ये है कि रास्ते में इन्हें हवा लगेगी ठंडी क्योंकि अब आ गई हैं सर्दियां, तो ये है कि बेहतर आप इसे जरा ना गत्ते के अंदर कवर करके लेके जाओ। तो अभी टेप वगैरह खोलते हैं, अपने किटन्स की अनबॉक्सिंग करते हैं। सो गाइस ये कोको को बड़ा पता आता है कि जब भी मैं बाहर जाता हूँ अक्सर कोई चीज वापस लेके आता हूँ गुस्सा, इसकी आइस को क्या हो गया, ये तो रस्ते में मुझे लगता है खराब हो गई है। कोको अब इन्हें तंग नहीं करना, वो बेचारा डर रहा है, डर रहा है, डर रहा है, कोको नहीं तंग नहीं करना, क्या हुआ भाई साहब?
क्योंकि ये आपके बड़े मुंह से डर रहा है, बड़े मुंह से लेना पाओ। ओए बंद कर देते भाई, ये तो गंदे हो गए, उधर तो बिल्कुल साफ थे यार, रस्ते में इन्होंने वॉशरूम कर दिया ना। कोको ये आपकी तरह हो गए गंदे मुंदे। ओए डर गए गाइस, मैं तो कहता हूं इन्हें उठा के ना इधर रख देते हैं और ऊपर जाके ना जरा इनकी डाइट का इंतजाम करते हैं। सो गाइस माँ जी जो है भाई वापस आ चुकी हैं। भाई ये जब गई थी ना तब मैंने आप लोगों को बताया था कि माँ जी चली गई हैं और कोको बड़ा उदास हो गई है। और अभी मैं मार्केट गया था तो माँ जी पीछे से आ गई है, नहीं तो मैंने व्लॉग बनाना था कि कोको माँ जी को मिलती कैसे है, मैं था ही नहीं भाई, वो सीन मिस हो गया। ये कैसे मिलती है यार बंदे को, जब बंदा 3-4 दिन घर से बाहर रह के आता है ना, चुप्पियां दौड़ दौड़ के पागे की इधर उधर। लेकिन मैं गया था मार्केट, चिकन ले आया था माँ जी, माँ जी नई किटन्स में लेके आया ना तो चिकन भी ले आया हूँ। हाँ तो वो आपको भी मैं दिखाता हूँ, आप इस तरह करेंगे जो चिकन है ना वो आप उबाल दें। गाइस ये देखो कोको जो है ना रोज रोज डेली 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 टेरेस में आके बैठ जाती है, गंदी मुंदी बिल्ली, गंदी मुंदी कोको। ये टेरेस में आके ना भाई सारे नजारे ले रही होती है बाहर के, मौसम अच्छा हुआ था ना शाम टाइम। सो गाइस चिकन जो है बॉइल हो चुका है, अभी इस तरह करते हैं कि एक एक बोटी उठाते हैं और नीचे जाके अपनी टैनी मैनी को दे देते हैं, ठीक है। इनका नाम हमने डिसाइड कर लिया टैनी और मैनी, एक टैनी और मैनी। गाइस कोको को मैंने टेरेस में डाइट दे दी थी, वैसे इस टाइम मम्मी से देता तो नहीं है लेकिन वैसे मैंने इसे एक आधी बोटी दे दी। और टैनी मैनी के लिए जो है ना छोटे छोटे पीस काट लिया, और हिमालयन के ये वाला गोश्त रखा है। आज माँ जी नीचे, अब हिमालयन ना दिन में 3 दफा खाना मिलता है क्योंकि उसने बच्चे दिए हैं ना इसलिए। माँ जी जग्गू के लिए कुछ पकड़ा है, वो बोल रहा है रोटी पकड़ी है, आ जाओ आ जाओ। मैं माँ जी जग्गू को नहीं बोलती, वो जो बिल्ली ने बच्चे दिए थे वो मैंने फोन पे देखे थे, वो देखने वो। अच्छा लाइव देखने आपने। हाँ। भाई पहले ये हमारा सब्सक्राइबर ये इधर से आता है, कह रहा है पहले मैंने मोबाइल पे देखा, हम लाइव देखते हैं दिखा देते हैं। एक काम करते हैं ये वाली जो टैनी मनी हम नहीं लाए हैं ना वो देखो, उन्हें भूख लग रही है। सुन के माँ जी आ गया, आ गया उन्होंने प्यारे है ना। माँ जी रस्ते में गंदे हो गए हैं, बड़े प्यारे थे तिन्नू मुन्नू, इन्हें ना उठा के अंदर ले जाते हैं, इधर से बड़ी ठंडी हवा आती है। सो गाइस इनको हम लोग अभी इधर डाइट दे देते हैं। ओए ओए ये बड़े परेशान घूम रहे हैं, इनकी जगह जो चेंज की। ओए ओए डाइट देखो कैसे खा रहे हैं, दोनों पाँव अंदर रखनी है। ये हिमालयन के बच्चे नहीं है जो आपने फोन पे देखे थे, ये वो नहीं है, आपको लगा ये वो है। इतनी जल्दी बड़े नहीं होते, वो ना इस चेंज के नीचे है। माँ जी जग्गू को रोटी दे दो, आते ही मैंने इसे 2 केले खिलाए। अच्छा फिर भी 2 केले जग्गू तो कहता है पूरे घर का खाना मुझे दे दिया करो। है कई तो मालियन को डाइट दे दिया, उठाना नहीं उठाना नहीं, उसे उठाना नहीं है भाई, मैंने नहीं अभी तक उठाया और आप उठा रहे हो, बैठ के बस देख लो उसे। ये मालियन के बेबी हैं भाई, इन्हें उठाएंगे ना तो ये वीक हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी तो ये सोए हुए हैं, ये लोग बचपन में बहुत ज्यादा सोते हैं। कैट फूड है वो बिल्ले को मैं दे दूंगा। सो गाइस सबको डाइट सेट हो गई है और किटन जो है हम लोग खुले छोड़ के रखेंगे। कोको कम आजो 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 टाटा जग्गू सुबह मिलेंगे। सो गाइस ये आ चुके, ओए ये हमने मोर को दे दिया और मोर जो है अलहदा खाएगा। तो आई होप आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा लाइक कर दो और कमेंट में आप लोगों ने लाजमी बताना है कि टैनी मैनी हम लोगों ने न्यू किडेंस का नाम बिल्कुल ठीक रखा है या नहीं। वैसे टैनी मैनी एक भाई ने कमेंट किया था पहले तो मैंने सोचा कि यार इनका नाम टैनी मैनी रख देते हैं। सो गाइस इधर जो हम अपना व्लॉग करते हैं एंड, लोग अच्छा लगा लाइक कर दो, चैनल को करो कोको सब्सक्राइब, आ जा नीचे जो तू नजरें रख के बैठी हुई ना गंदी मुर्गियों पर। इधर जो हम अपना व्लॉग करते हैं एंड, अल्लाह हाफिज़।